बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था, पर वह शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा शेर सोचने लगा, यदि यही हालत रहे तो मेरी मौत तय है। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बैठाई ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक कौवे की मदद से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था, जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोच कर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भर पेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी, वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज आपकी तबीयत कैसी है? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है, मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं हैं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं तो जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें कौवे, कबूतर, तोते, मैना, कोयल और बुलबुल इत्यादि पक्षियों का समावेश था। उन सभी पक्षियों में कौवों की संख्या सबसे ज्यादा थी। सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक तोता जिसका नाम सोनू था, वह घोंसले से जैसे ही बाहर निकला उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, ओह ये सब क्या हो गया, इन्हें किसने मारा? आसपास बहुत सारे कौवे और कबूतरों की लाशें पड़ी थीं। सोनू का अंतर्मन दुख से भर गया। उसके सामने उसके कई दोस्त छन्नू, बल्लू, भूरा और कन्नू मृत पड़े थे। कल तक वह जिनके साथ खेलता था, आज वह सब दुनिया छोड़ गए थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला था। सोनू ने पेड़ के दूसरे घोंसलों पर नजर डाली तो उन्हें खाली देखकर उसका दिल बैठ गया। सबके सब पंछी न जाने कहां उड़ गए हैं, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है। सोनू ने दूर मगरू बंदर काका को भागते हुए देखा। वे सबको सावधान करके वहां से हटने का इशारा कर रहे थे। चलो सब लोग भाग चलो, एक बहुत बड़ी महामारी की बीमारी आ गई है। अपनी जान बचानी है तो इस जंगल को छोड़कर दूर चले जाओ। सोनू चल भाग चल यहाँ से। मंगरू काका की बात सुनकर
सोनू उनके साथ साथ ऊपर उड़ने लगा। उसने आज तक ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। जान बचाने के लिए वहाँ से हटने के सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं था। मंगरू बंदर नीचे नीचे भाग रही थी और उनके ऊपर सोनू तोता उड़ रहा था। वह उस जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ के पास पहुँच चुके थे। पास में एक नदी बह रही थी। मंगरू बंदर ने चारों तरफ देखा और उस जगह को ज्यादा सुरक्षित मानकर वहीं अपने कदम रोक लिए। सोनू भी उड़ता हुआ नीचे उतर आया। काका, ये सही जगह लग रही है। हाँ, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। पास में नदी का पानी भी है, फलों के पेड़ भी है। काका, हमारे बहुत साथी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। बड़ा दुख हो रहा है। ये कैसी बीमारी है? बड़ी भयानक बीमारी है बेटा। एक से दूसरे में फैलने पर देरी नहीं लगती। मेरे दो बंदर साथी भी उसके चपेट में आ गए। मुझे भी अपनी जन्मभूमि प्यारी थी, लेकिन जान बचाना जरूरी है। जान है तो जहान है। अरे सोनू, तुम तो सवेरे उठे और कुछ खाया भी नहीं होगा। हाँ, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन वह भयानक दृश्य देखकर मैं सब कुछ भूल गया। काका बहुत थक गए होंगे, बैठिए ना, मैं सामने के पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़कर गिराता हूँ, दोनों जन खाएंगे। सोनू उड़ गया और कुछ ही देर में देखते देखते उसकी चोंच की फुर्ती से कई अमरूद इकट्ठा हो गए। दोनों ने अमरूद खाए और वहीं बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक सोनू की नजर आने वाले एक बाघ के ऊपर पड़ गई। मंगरू काका के पीठ के पीछे से वह आ रहा था, इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा। सोनू ने तुरंत काका को सतर्क किया। मंगरू बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। सोनू तोता भी उड़कर डाल पर बैठ गया। बाघ उन्हें देखता ही रहा। सोनू और मंगरू ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक कबूतर पेड़ पर से नीचे गिर गया और उसकी गर्दन ऐंठने लगी। बाघ उसे देख ही रहा था, लेकिन उसके पास नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे पीछे जाने लगा। अरे काका, यह बाघ तो एक कबूतर से डर गया, पीछे ही हटा जा रहा है। अरे बांगड़ू, वो कबूतर से नहीं, उसकी बीमारी से डर रहा है। महामारी यहाँ तक भी आ गई है, इसी वजह से कबूतर की जान पर आ गई है। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके। चलो यहाँ से अब भाग चलने में ही भलाई है। मंगरू बंदर और सोनू वहाँ से आगे की ओर रवाना हो गए। वो दोनों नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे बगुलों की टोली को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में आशा जाग गई। उन्हें लगने लगा कि वह स्थान सचमुच रहने लायक है। यदि खतरा होता तो बगुले भी वहाँ न रहते। वह दोनों वहाँ पर रहने लगे और किसी भी आशंका से निश्चिंत हो गए। कुछ बगुलों ने सोनू से दोस्ती भी की। बगुले भयवश मंगरू बंदर के पास नहीं जाते थे। सोनू भैया, बंदर से हमें बहुत डर लगता है। एक बार एक बंदर ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। मेरी जान न बचती, मेरे बगुला दोस्त ने ऐन वक्त पर बंदर को एक केला पेश कर दिया और बंदर ने मुझे छोड़ दिया। अरे, हमारे मंगरू काका ऐसे नहीं है, वह किसी पक्षी को नहीं सताते, बल्कि सबकी मदद करते हैं। बड़े नेक स्वभाव के हैं, इसीलिए तो मेरी उनकी बहुत पटती है। सोनू की बगुले के साथ बातचीत चल रही थी। इतने में दूर मंगरू बंदर जमीन पर गिर पड़ा। वह परेशान दिखाई देने लगा। उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। सोनू उड़कर उनके पास पहुंचने ही वाला था कि उन्होंने इशारे से उसे रोक दिया। सोनू, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास मत आना। मैं महामारी का शिकार हो गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ये बीमारी लगे। तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। नहीं काका, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊँ? देखो सोनू, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से सोचना है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता होगी। यहाँ से जल्दी से निकल जाओ बेटे। सोनू की आंखों में आंसू भर आए। वह बगुले के पास पहुँच गया। मेरे काका को बचा लो, क्या ऐसा कोई इलाज है जो मेरे काका की जान बचा सकता है? इस दुनिया में उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे साथ जल्दी चलो, अब समय बहुत कम है। बगुला सोनू को लेकर उड़ चला। उड़ते उड़ते वे दोनों एक पहाड़ के पास पहुँच गए। बगुला भाई, यहाँ भी तो महामारी फैली हुई है।
हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन दवा भी यही है, चलो मेरे साथ। पहाड़ पर एक जड़ी बूटी देखकर बगुला रुक गया। उसने उसे तोड़ना चाहा तो एक सर्प बीच में आ गया। सोनू ने उड़कर सर्प को चोंच मार दी। सर्प पीछे मुड़ गया, सोनू ऊपर उड़ गया। उसने फिर से सर्प को अपनी तरफ मोड़ने के लिए चोंच मार दी। इधर सोनू ने बड़ी चालाकी से सर्प को अपनी तरफ व्यस्त कर दिया और उधर बगुले ने जड़ी बूटी को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही जड़ी बूटी बगुले और सोनू के हाथ में लगी, वे दोनों उड़कर अपने क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने देखा मंगरू बंदर अचेत पड़ा था। काका, मैं दवाई लेकर आ गया हूँ, अब आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। आंखें खोलिए ना, दवा खिलाता हूँ। मंगरू बंदर के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देखो तोता भाई, तुमने आने में देर कर दी, अब इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे काका को कुछ नहीं होगा, अभी मैं दवा इनके मुंह में डाल रहा हूँ। सोनू ने दवा मंगरू बंदर के मुंह में डाल दी और पास में बैठ गया। तोता भाई, इस दवा का सेवन आप भी कर लो, कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम सभी रोज इसका सेवन करते हैं, इसीलिए मजे से घूमते रहते हैं। सोनू ने भी वह दवा खा ली और काका के चेहरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगा। मंगरू काका को होश नहीं आ रहा था और सोनू का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, मेरे काका को बचा लो, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। मेरे काका ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उनकी जिंदगी मुझे मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। आज उन्हीं की वजह से मैं भी जिंदा हूँ। सोनू ने अचानक देखा तो खुशी से उछल पड़ा। मंगरू बंदर ने आंखें खोल दी और सबसे पहले उन्होंने सोनू को देखा। अरे सोनू, तू यहाँ क्यों बैठा है? काका, अब हमेशा आपके पास ही बैठूंगा, अब ना मुझे कुछ होगा ना आपको कुछ होगा। आपने भी दवाई खाई है और मैंने भी, इन सभी ने दवाई खाई है, इसीलिए तो महामारी की बीमारी हम सब ने भगाई है। मंगरू काका को सारी बात की जानकारी मिली और उनके चेहरे पर खुशी छा गई और उन्होंने सोनू को बड़े प्यार से अपने पास ले लिया।